बैम बूम ब्रीम की दुनिया में स्वागत है आपका। मेरा नाम है आकाश और आप लोग देख रहे हैं द वन एंड ओनली फिज इफेक्ट्स टीवी का एक नया फ्रेश एपिसोड। वैज्ञानिकों ने दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठा दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन की प्रेडिक्शन के 104 साल बाद वैज्ञानिकों ने एक जिंदा ब्लैक होल खोज लिया है और आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको उसी ब्लैक होल के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वैज्ञानिकों ने इसकी खोज करी, ये ब्लैक होल कहाँ पर है और ये ब्लैक होल होते क्या है और क्या हमें इस ब्लैक होल से कोई खतरा है। तो गाइस आप इस वीडियो को यहाँ से एंड तक देखें और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट ने इस ब्लैक होल की खोज करी है। ये प्रोजेक्ट एक जॉइंट प्रोजेक्ट है जिसमें कि दुनिया भर के 62 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। 200 से भी ज्यादा वैज्ञानिकों की टीम ने दिन रात एक करके हमारी पृथ्वी पर 8 बड़े रेडियो टेलीस्कोप्स का अलग अलग जगहों पर बेस बनाया। यानी कि जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि जो ये टेलीस्कोप है, ऐसे 8 बड़े टेलीस्कोप्स को अर्थ पे अलग अलग जगहों पर सिचुएट किया गया, जिसके बाद इन सारे टेलीस्कोप्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके एक साथ ऑन किया गया और अर्थ के साइज जितना बड़ा एक वर्चुअल टेलीस्कोप बनाया। एक सिंगल टेलीस्कोप ने दोस्तों 350 टेराबाइट का डाटा जनरेट किया हर दिन और इन सारे टेलीस्कोप के डाटा को एटॉमिक क्लॉक के जरिए आपस में सिंक किया गया। मतलब कि दोस्तों जो ये फोटो है ब्लैक होल की, जो कि कुछ दिन पहले रिलीज करी गई थी, इसे 2017 में कैप्चर किया गया था और इसे रेंडर करके फाइनल इमेज बनाने में 2 साल लग गए। क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक टेलीस्कोप ने एक दिन में 350 टेराबाइट का डाटा भेजा सिस्टम में, तो सोचो ऐसे 8 टेलीस्कोप ने कितना सारा डाटा भेजा होगा सिस्टम में और उसे रेंडर करने में कितना टाइम लगा होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में दोस्तों 50 मिलियन यूएस डॉलर का खर्चा आया है, यानी तकरीबन 345 करोड़ रुपए। इससे पहले हमने ब्लैक होल के बारे में सिर्फ मूवीज और किताबों में पढ़ा था। जो हमें ये ब्लैक होल मिला है दोस्तों 6.5 बिलियन टाइम्स बड़ा है सूरज से, यानी हमारे सन से। और दोस्तों जो हमारा सन है इसका साइज इतना बड़ा है कि इसके अंदर 13 लाख पृथ्वी जितने बड़े प्लैनेट्स समा सकते हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगाओ कि जो ये ब्लैक होल हमें मिला है जो कि 6.5 बिलियन टाइम्स बड़ा है सन से, इसका साइज कितना बड़ा होगा। जो ये ब्लैक होल हम इंसानों ने ढूंढा है वो अर्थ से 55 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर है। यानी अगर दोस्तों हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करें तो हमें 55 मिलियन साल लगेंगे इस ब्लैक होल तक पहुंचने में। इन शॉर्ट दोस्तों हमारे पास अभी कोई ऐसा फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि लाइट की स्पीड से ट्रेवल करे। तो ये था पूरा सीन दोस्तों इस ब्लैक होल का। अब आते हैं कुछ सवाल कि ये ब्लैक होल होता क्या है, आखिर किसने इसके बारे में सबसे पहले बताया, और जो ये ब्लैक होल हम इंसानों ने ढूंढा है क्या इससे हमें कोई नुकसान तो नहीं। टेंशन नॉट गाइज, अब मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा, तो ध्यान से सुने और देखें। ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले बताया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी में, जो कि पब्लिश हुई थी 1915 में। जनरल रिलेटिविटी दोस्तों एक जियोमेट्रिक थ्योरी है ग्रेविटेशन के ऊपर, जिसके अंदर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने मैथमेटिक्स के ज्ञान का इस्तेमाल करके इक्वेशंस के बेसिस पर ब्लैक होल के बारे में और बाकी चीजों के बारे में बताया है। ब्लैक होल का रिलेशन है दोस्तों ग्रेविटी से। जैसे अर्थ पर ग्रेविटी है, वैसे ही ब्लैक होल जो होते हैं उसमें इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होती है कि लाइट तक उनको एस्केप नहीं कर सकती। ब्लैक होल के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा है दोस्तों कि वो छोटे मैटर्स, लाइट्स और स्टार्स को पूरी तरह अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक ब्लैक होल का साइज छोटे से डस्ट पार्टिकल जितना हो सकता है और एज बिग एज जो अभी हमने डिस्कवर किया। लेकिन एक छोटे से डस्ट पार्टिकल जितने बड़े ब्लैक होल का भी मास इतना ज्यादा होता है कि वो एक बड़े माउंटेन को निगल जाए। और इवन दोस्तों दो ब्लैक होल्स आपस में मर्ज होके एक ब्लैक होल बन सकते हैं। जब से इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई है दोस्तों, तभी से इस ब्रह्मांड में ब्लैक होल्स हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो एक सदी पहले ही इसके बारे में बता दिया था, जब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। अपनी इक्वेशंस के बेसिस पर उन्होंने थ्योरेटिकली तो ये प्रूव कर दिया था कि यूनिवर्स में ब्लैक होल्स हैं, लेकिन अब वो प्रैक्टिकली प्रूव हो चुका है। तो अब आता है एक और सवाल कि क्या अर्थ को इस ब्लैक होल से कोई खतरा है। तो इसका जवाब है दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। ब्लैक होल्स दोस्तों एक ही जगह पर रहते हैं, वो स्पेस में घूम घूम कर दूसरे प्लैनेट, स्टार्स और मैटर्स को नहीं निगलते। और हमारे सोलर सिस्टम में अभी तक कोई ऐसा ब्लैक होल नहीं बना है जो कि अर्थ के इतना नजदीक हो कि हमें उससे कोई खतरा हो। लेकिन हाँ दोस्तों, ये एक सोचने वाली बात है कि आखिर एक ब्लैक होल के अंदर क्या होगा। इतनी ज्यादा ग्रेविटी के साथ जहाँ लाइट तक नहीं एस्केप कर सकती, उसके अंदर जाने के बाद जो ये मैटर्स होते हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं, ये स्टार्स होते हैं, ये जाते कहाँ होंगे। ये दोस्तों एक रहस्यमय सवाल है जिसका जवाब शायद हमें फ्यूचर में मिले। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई और आप ब्लैक होल्स के बारे में कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन जान सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइज, अब मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।